उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर कलझाल ब्लॉक से, पहाड़ों की आवाज। वैष्णो मोटेन की आवाज का असर पड़ा। जैसे कि आपको याद है कि अभी पिछली खबर हमारे वरिष्ठ संवाददाता जगमोहन डांगी जी ने घर वापसी आए लोगों से ये आपको एक रिपोर्ट दिखाई दी। उसका गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार दोगंडे पहुंचे सुदूर क्षेत्र गांव में। जैसे कि आपको हमने अभी बताया कि कुछ लोग प्रवासी लोग पहाड़ों में वापस आने लगे हैं और दो गांव जो थे वो काफ़ी सालों पहले प्लान हो चुका था। यूं कहें कि वहाँ पर कोई नहीं रहता था, लेकिन काफ़ी सालों के बाद उस गाँव में कुछ परिवार वापस आए हैं, जिसकी हमारी इस आवाज़ का असर पड़ा। और जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगंदरे ने आज कलझाल उपासन के कोविड काल में अपने घर वापसी आए प्रवासियों से मिलने 3 किलोमीटर पैदल चलकर चौंडली गांव पहुंचे। वहां ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी के आने पर जोरदार स्वागत हुआ और उन लोगों को खुशी भी हुई कि हम इतने समय बाद घर वापसी पर जिलाधिकारी उनसे मिलने पहुंचे। जिलाधिकारी ने उन लोगों से हालचाल पूछा और सार्वजनिक स्थानों से वहाँ भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से अलग रहकर कोरोना नियम के अनुसार चलने को कहा। सैनिटाइजर मास्क का अनुपालन करने को कहा ताकि कोविड से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने ग्रामीण परिवार को मुख्यमंत्री कोविड किट तथा आइबर वैक्सीन किट वितरित कर उन्हें खाने के तरीके भी बताया और उनसे उनकी आर्थिक मजबूत स्थिति कैसे हो। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि गांव में कृषि उद्यान सहित अन्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे वह रोजगार को अपना कर अपनी आर्थिक मजबूती बना सके और घर वापसी पर वह लोग अपना जीवन निर्वाह कर सके। साथ ही प्लान पर भी रोक लगी। जिलाधिकारी ने गांव में पहुंचने पर पूर्व थानेश्वर महाराज महादेव में जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। हमारी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं। डीपीआरओ एम खान ने गांव लौटे प्रवासियों से बातचीत की और कहा जिला प्रशासन द्वारा जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री कोविड किट व आइबर किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि किट के अंदर दवाई खाने का पर्चा भी रखा हुआ है। उन्होंने लोगों से सैनिटाइज करने को कहा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह नेगी, खंड विकास अधिकारी जयप्रकाश भारद्वाज, बीडीओ हरिंदर कोहली, उमेश चंद्र बगोड़ा, कमल आर्या, जगमोहन सिंह, मनमोहन सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए यह आवाज को उठाने वाले हमारे विशेष संवाददाता जम्मू नागी की यह खबर। आपकी चर्चा होती है तो ये हमारी भी प्राथमिकता पे रहते हैं ये विषय। हम आपसे जमीन का प्रस्ताव अगर मिल जाएगा उसमें शीघ्रता से हम कार्रवाई करेंगे। और अगर जैसे अभी डीपीआर साहब ने आपको अवगत कराया है कि अगर प्रस्ताव है तो जैसे अभी आपको कार्य योजना बना के दिया है 5 लाख + 5 लाख + 10, तो इस जमाने कहाँ हो जाए कौन डिबानी अपन क्या खानों अपन क्या जमीन क्या जरी ने मुकु वो क्या नहीं थे दो सर भैया घोषणा की गई थी। एक तो सर बन गई है लेकिन एक रोड जो है बाड़ियों से और ये लास्ट गांव जो चौंडल जी से चौंडल भी जुड़ना था और तमिल मंदिर और ये महादेव जी से इसका लिंक होना था, लेकिन सर ये रोड आगे नहीं बढ़ी और पहले 8 किलोमीटर इसका डीपीआर शासन में गया था, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करने के बाद अब जाके फिर 5 किलोमीटर जो है एस्टिमेट दोबारा प्रशासन को भेजा है। तो सर इस पर भी कब तक होगा कुछ कार्रवाई? PWD के माध्यम से जो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है उसमें 5 किलोमीटर की सड़क का प्रस्ताव जा चुका है। इसमें विभाग से बात करके इसमें क्या कार्रवाई हुआ है, अगर कुछ कार्रवाई जनपद स्तर पर लंबित है तो उसको पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य को हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वर्ष के अंत तक शासन से स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। अन्य तरीके से भी इसमें बात किया जाएगा। मैं स्वयं जो है सचिव महोदय से इसमें वार्ता करूँगा और शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए अनुरोध भी करूँगा। सर ग्राम पंचायत खनन एक बहुत बड़ी ग्राम सभा, इसमें 5 गांव आते हैं राजस्व गांव, लेकिन ग्राम सभा 2008 के बाद अस्तित्व में आया था। अभी तक पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र और बरातघर, कोई भी सरकार की जो भवन है अगर कोई अधिकारी आता तो उसको प्रधान जी को बती आत्मग्लानी होती कि काम बिठाऊ में कोई अपना घर में तो इसको भी नहीं बैठने देता। तो इसमें थोड़ा सर काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र इस पर क्या है। ग्राम पंचायत थनूल के प्रधान जी से आज मैंने बात किया है, उनसे मैंने भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव भी रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने इस बारे में अवगत कराया है कि उन्होंने भूमि का चिन्हीकरण कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। हम लोग शासन स्तर पर इसका जल्दी से कार्रवाई करेंगे इसका और इस प्रस्ताव को शीघ्रता से कराने के लिए प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पंचायत भवन निर्माण कार्य और आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके।
धन्यवाद। स्वरोजगार से जोड़ने की ट्रेनिंग भी एक आवश्यक रहेगी। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने परिवार से बात किया है, सभी ग्राम पंचायत के जो अन्य निवासी हैं, जो आसपास के गांव के भी हैं, उनसे भी आज बात किया है। सड़क मार्ग को लेकर भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे जनता के द्वारा बताया गया है, तो उसको भी हम शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सड़कें यहाँ के ग्राम पंचायत की हैं, साथ साथ में जो अन्य आसपास के जो भी सुझाव हमको प्राप्त हो रहा है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और कुछ अन्य समस्या बताई गई हैं, जिसमें किसी परिवार की मकान की क्षति हो रखा है, उसको ठीक करने के लिए उनके द्वारा आग्रह किया गया है, उसके भी नाम हमने नोट कर लिया है। उनको जो भी संभव मदद होगी उसको उपलब्ध कराया जाए। वीडियो साहब, ये ग्राम पंचायत थनौल के अंदर एक चौंडली गांव है, शायद कोई पहली बार कोई अधिकारी आया है और वो भी जिला अधिकारी, आप भी आए, तो क्या क्या समस्या लोगों की सुनी और कैसा लगा गांव में, क्या देखा गया कमी? बहुत अच्छा लगा, यहां पे लोग बाहर से आए हुए हैं और लोगों ने अब यहां पे रहने का मन बनाया है। लोगों की कई मांगे यहां पे हैं कि घेरवाड़ कर दी जाए, पानी की समस्या है, पेयजल की पाइपलाइन ठीक की जाए, सिंचाई बूंदे ठीक की जाए, घेरवाड़ के लिए कहा गया है और ट्रेनिंग के लिए भी बोला गया है, कृषि पशुपालन से संबंधित, उद्यान से संबंधित, और रोड की मांग उनकी सबसे बड़ी जो है रोड की मांग भी है कि इस गांव को रोड से जोड़ दिया जाए। तो डीएम साहब आए, बहुत अच्छा लगा, जिले के उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोगों की आग्रह पर यहाँ पर आए और उन्होंने आपकी सारी समस्याएँ सुनी और सभी समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। हम भी हमसे जितना काम हो पाएगा ब्लॉक से, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ये लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम सारा काम जो हमारे विभाग से हो पाएगा, मनरेगा से, राज्य वित्त से, केंद्रीय वित्त से, हम सारी इनकी योजना देंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग और भी यहाँ के बाहर हैं वो लोग भी गाँव में आएँ और अपने गाँव को आबाद करें, अपनी आजीविका यहाँ पर कमाएँ, अच्छा काम करें। जो लोग बाहर बेरोजगार बैठे हुए हैं गाँव में आके कुछ कमाई धमाई करें, गाँव भी आबाद रहेगा और यहाँ पर आबो हवा बहुत अच्छी है, पानी है, हवा है, बहुत बढ़िया है, पोल्यूशन भी नहीं है। तो उन सभी लोगों को मेरी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लगा, सभी काफ़ी लोग एकत्र हुए गांव में, ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद ऐसा दिखा जैसे पहले रहा होगा कभी गांव, जो आज से 10-20 साल पहले, वैसे आज रौनक से रही गाँव में, बहुत अच्छा लगा। ऐसे भरा हरा भरा रहे गाँव, खूब हरे। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिनों ते से की समाली लावा, ए जावा, ए जावा।